सिंघानिया परिवार में मनाया जा रहा है दीपों का जश्न। दिवाली का त्यौहार नहीं बल्कि गोद भराई की रस्म है जो अक्षरा के ससुराल में मनाई जा रही है ननद नंदिनी की गोद भराई के लिए। सास बहू और बेटियां पहले आपको गोद भराई की रस्म दिखा चुका है, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं गोद भराई का डांस। जरा देखिए तो अपनी ननद के लिए कैसे नाच रही है अक्षरा। राजस्थानी धुनों पर थिरक रही हैं घर की सारी औरतें। आज तो गोद भराई की रस्म हो रही है शादी, तो ऑफ कोर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, करिश्मा जैसे चाहिए वैसे हम लोग शादी करेंगे। तो आज गोद भराई की रस्म हो रही है, दीदी आई हुई है, हमने काफी तैयारियां भी की हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं, घर वाले सारे हैं, तो बस खुशी बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड कहते हैं बेबी शावर की तरह हो रहा है। और तो और दियो से डांस की प्रैक्टिस भी चल रही है, लेकिन हमारी अक्षरा मैडम डांस करते करते थक गई और लगाने लगी हाथों में मेहंदी। इनका सीना भीना जो है, इसलिए मेहंदी से इन्हें खास प्यार है। वैसे आज तो नंदिनी का दिन है, इसलिए नंदिनी से ही पूछते हैं कि कैसा लग रहा है ये स्पेशल अटेंशन पाकर। हम सबका था प्लानिंग, सबने एक साथ प्लान किया था दीदी के लिए, उनको उनके स्पेशल डे पे उनको ये सरप्राइज दे हम छोटा था। आई होप दीदी को अच्छा लगे, हमने मेहनत की थी इसके लिए। दीदी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। स्पेशल अटेंशन तो मिलेगा ही, क्योंकि सिंघानिया परिवार और माहेश्वरी परिवार की ये ज्वाइंट प्लानिंग थी आपको सरप्राइज देने के लिए। इसलिए आज वर्षा भी डांस कर रही है, अक्षरा की दादी, मम्मी, चाची सभी लोग आए हुए हैं। अभी 100 बार ले चुकी हूँ, 101 बार आप चाहे तो ले। तो नंदिनी को नजर लगाएंगे, उसको नहीं छोड़ूंगी बहन। वैसे ऐसे मौके पर घर की सारी लेडीज को सजने संवरने और नाच गाने का मौका मिल जाता है। सारी की सारी लेडीज आज बहुत खुश हैं इस खास मौके पर, खास श्रृंगार और खास तैयारी के साथ। अक्षरा, नंदिनी और उसके परिवार की खुशियों पर अचानक लग गया टंग। सीरियल है तो ट्विस्ट तो आएंगे ही, और ये देखिए ये कैसा ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट तो मतलब जहाँ रुक्मणी आंटी हो वहाँ पर तो वो आते ही रहते हैं ट्विस्ट, और पहाड़ टूटते ही रहते हैं। हम लोग बहुत ही खुशियों के साथ ये मना रहे थे, और इतने सब लोग इतना अच्छा एंजॉय कर रहे थे। एकदम से ट्विस्ट आया कि मेरी जो सासू माँ है उन्होंने यश के साथ बहुत दिनों से व्यवहार किया, बहुत ही दिनों से व्यवहार किया, और आज इसकी एक लिमिट हो गई थी। वो तो नक्श जो छोटा बच्चा है उसकी वजह से ये चीज़ हमारे सामने आई, नहीं तो ये हमें कभी पता ही नहीं चल पाता और यश अंदर ही अंदर घुसता रहता। तो आज मैंने अपने बच्चे के लिए पहली बार आवाज़ उठाई और अपनी सासू माँ के अगेंस्ट एक्शन। इसी के साथ साथ हमारे कैमरे ने कुछ पर्दे के पीछे के नजारों को भी कैद किया। करते हैं कि नंदिनी की खुशियों को किसी की नजर न लगे, और अक्षरा एक अच्छी भाभी की तरह इसी तरह हंसते मुस्कुराते और डांस करते रहे। मुंबई से साधना के साथ आज तक ब्यूरो।